फोबिया फोबिया uh, क्या है बेसिकली इट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इट इज़ बेसिकली अ अनरियलिस्टिक फियर ऑफ समथिंग व्हिच वी नो कैन नॉट कॉज हार्म टू आस बट वी आर फ्राइटेंड एंड वी फील द फियर दैट दिस थिंग मे कॉज हार्म टू मी इसको ऑफ फीयर ऑफ फीयर भी कह सकते हैं फियर ऑफ़ फियर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इस चीज़ का खौफ कि कहीं ये चीज़ मुझे काट ना ले ठीक है uh, या इस चीज़ का खौफ कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो ऐसा हो ना जाए तो इट इज़ बेसिकली अ फियर ऑफ़ फियर फोबिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक शख्स को ये बहुत अच्छी तरह एहसास होता है कि जिस चीज़ से वो डर रहा है वो एज सच इतनी थ्रेटनिंग नहीं है अगर है भी तो इतनी थ्रेटनिंग नहीं है कि वो उसको डिसेबल कर दे, डिसफंक्शनल कर दे और वो कोई काम ना कर सके इसकी हम एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक हाइट है और वहाँ पर आ, आगे, आगे आप देख रहे हैं कि बैरियर्स लगे हुए हैं लेकिन जिस शख्स को हाइट का फोबिया होगा वो आ, खिड़की से कभी भी बाहर तो ज़रूर देख सकेगा लेकिन उस कमरे से बाहर निकल के नीचे डायरेक्ट वो नहीं देख सकेगा तो दिस इज़ द हाइट फोबिया यानी उस शख्स को पता होगा कि मैं गिर नहीं सकता यहाँ से लेकिन उसके अंदर ये खौफ इतना जदीद होगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ जिसकी वजह से वो बाहर निकल कर उस हाइट से नीचे नहीं देख सकेगा और वो प्रेफ़र करेगा कि वो विंडो के पीछे से देखता रहे इसी तरह आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों के अंदर स्पाइडर का फोबिया होता है अब उनको ये पता होता है कि ये पॉइजनस नहीं है ये उनको काट नहीं सकता और इससे उनको कोई हार्म नहीं होगा लेकिन उनको सम टाइम सिर्फ साइट से सम टाइम इमेजिन करने से ही दे फील दम सेल्फ फ्राइटेंड के एंड कि वो आ, उस स्पाइडर को स्टैंड ही नहीं कर सकते और वो उस कमरे में भी नहीं खड़े हो सकते जहाँ पर के वो खड़े हुए हैं और जहाँ पे उनको पता हो कि स्पाइडर है तो वो वहाँ से फ़ौरी तौर पर मूव आउट कर जाते हैं लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया होते हैं जिसके अंदर एनिमल फोबिया हो हो सकता है जिस तरह लोगों को डॉग से डर लगता है इंसेक्ट से डर लगता है इसी तरह नेचुरल इन्वामेंट से फोबिया हो सकता है जिस तरह हाइट का फोबिया हो सकता है इसी तरह वाटर का फोबिया हो सकता है लोग दरिया के किनारे या समंदर के किनारे नहीं जा सकते क्योंकि उनको पानी से डर लगता है या वो बोट में नहीं बैठ सकते कि उनको लगता है कि वो गिर जाएंगे तो दिस सॉर्ट ऑफ़ फोबियाज़ जो हैं वो आमतौर पे लोगों में एक्सपीरियंस किए जाते हैं इसी तरह बॉडी बेस्ड फोबियाज भी होते हैं जिसके अंदर ब्लड uh, का फोबिया लोगों के अंदर पाया जाता है यानी जैसे ही उन्होंने खून देखा किसी की बॉडी के ऊपर तो वो फेंट हो गए या किसी ने को इंजेक्शन लगना है तो वो इंजेक्शन नहीं लगा पाते क्योंकि उनको खौफ आता है या डर आता है तो ये जो सारे फोबियाज़ हैं ये कॉमन है और आमतौर पर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं बड़ों में भी पाए जाते हैं अगर अब हम बात करें कि सिम्टम्स ऑफ फोबिया क्या है या हमें कैसे पता चलेगा कि शख्स को जो है वो फोबिया है तो नंबर वन के पहले तो वो शख्स आपको खुद रिपोर्ट करेगा कि वो इन चीज़ों से डरता है अब उस चीज़ों से जब डरता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि वो डर रहा है तो उसमें हम दो तरह के सिम्टम्स देखते हैं नंबर वन फिज़िकल सिम्टम नंबर टू साइकोलॉजिकल सिम्टम्स फ़िजिकल सिम्टम्स में वो शख्स आपको रिपोर्ट करेगा कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को स्पाइडर का फोबिया है तो वो आपको रिपोर्ट करेगा कि जैसे ही स्पाइडर आता है तो उसको डिजीनेस फील होती है या वो फेंट हो जाता है उसको चॉकिंग फ़ील होती है जैसे हम कहते हैं दम घुटना महसूस होना उस तरह की उसकी कंडीशन होती है हार्ट पल्पिटेशन होती है या हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है चेस्ट पेन होती है स्वेटिंग बहुत कॉमन है अक्सर लोग कहते हैं कि हमें स्वेटिंग होती है हॉट एंड कोल्ड फ्लशेज़ आते हैं जिससे कहते हैं ठंडा गर्म सा महसूस होना जो सांस है उनका वो स्मूथ नहीं रहता नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है नमनेस लोगों को होना शुरू हो जाती है और वो आमतौर पर शेकी ख़ुद को फील करते हैं तो इस किस्म के फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो आपको रिपोर्ट करेंगे अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ये सारे फ़िज़िकल सिम्टम्स आपको रिपोर्ट करें इनमें से चंद वो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको ये आइडिया हो सकता है कि इस शख्स को फ्लॉँचीज से फोबिया है देन द साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उनको यूं फील होता है कि दे आर नॉट इन टच विद द रियलिटी उनको लगता है हर चीज़ होगी सी है एंड दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट दैट थिंग एंड देन दे ऑल्सो फील दैट दे आर डिटैच फ्राम देयर बॉडी यानी उनको अपनी बॉडी भी समटाइम जो है वो उस तरह महसूस नहीं होती और उनको डिटैचमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है फिर उनको ये डर या खौफ होता है कि वह बेहोश ना हो जाए अपना कंट्रोल लूज़ ना कर दें या उन या उनको फियर ऑफ डाई भी हो सकता है केस अगर उन्होंने उस शख्स उस चीज़ को या उस सिचुएशन को कन्फ्रंट किया तो माइट बी दे कैन डाई तो इस किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो फोबिया के जो भी बच्चा होगा जब वो आएगा और आपको बताएगा कि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसके साथ साथ वो आपको ये वाले सिम्टम्स या इनमें से चंद एक सिम्टम्स भी रिपोर्ट कर सकता है थैंक यू